जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता की समस्याएं सुने तथा उनका तत्काल समाधान करें। तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तहसील दिवस में कुल 17 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी सी एस इमलाल, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य, पुलिस उपाधीक्षक एस एस राणा, तहसीलदार दीपिका आर्य आदि मौजूद थे। तहसील दिवस में आज हमें टोटल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि कल जनता दरबार भी था, जिले लेवल पर ही था, तो वहाँ भी काफ़ी शिकायतें आई थी, तो उसमें थोड़ा कम रहा है लोगों का। बेसिकली जो शिकायतें थी वो बीपीएल कार्ड को लेकर थी, 6-7 शिकायतें हमारी जिनमें बीपीएल कार्ड बनाना था, क्योंकि अब कैप थोड़ा सा हटा है, एक्सटेंड किया गया है, तो जिला पूर्ति अधिकारी को आदेशित कर दिया है कि वो जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं चेक करके लोगों को फ़ायदा दे दें। दूसरा, यहाँ मंडल सेरा वार्ड में जो पानी की निकासी की समस्या है वो हमेशा बनी हुई है, उसमें एक्सीएन को भी निर्देश किया है कि पूरी संयुक्त निरीक्षण करें एसडीएम के साथ और उस पर कार्रवाई करें। नोटिस लोगों को दिए जा चुके हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। और पानी की समस्या जो तहसील रोड को लेकर है, उसमें एक महीने का टाइम उनको दिया गया है कि एक महीने में, और मीनवाइल उसमें जो पैडलली ट्रायल बोर की जो व्यवस्था कराई जानी है, उसमें भी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो कहीं ना कहीं जमीन देख के उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।